वेलकम टू वीज़ा आसान चैनल। मेरा नाम है प्रदीप खत्री, आप देख रहे हैं वीज़ा आसान चैनल और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हॉलीलैंड का लार्ज C1 मॉडल वायरलेस माइक, जो कि आपके व्लॉगिंग या कुछ भी आप ऐसा करना चाहते हैं, कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत यूज़फुल ये माइक है। और इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं वो आपको बताएंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये जो बजट 10,000 to 15,000 के बीच में आता है और एक माइक है जो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इसके मैंने पढ़े, तो मुझे लगा मुझे ये एक बार ट्राई करना चाहिए। तो क्या है असलियत आपके सामने, पूरी वीडियो देखना ना भूलिए, डिटेल में अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो चलिए क्या है इसके अंदर बताते हैं। तो गाइस आ गया है हमारे पास बॉक्स जिसको अब हम करने वाले हैं अनबॉक्स। इसके अंदर है हॉलीलैंड का C1 लार्ज मॉडल माइक जो कि वायरलेस माइक है। हम इस नाइफ की हेल्प से इसको अनबॉक्स करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इस साइड से इसको अनबॉक्स करूँगा तो यहाँ पर मेरे एड्रेस और पर्सनल डिटेल है जो कि मैं इस वीडियो में शो नहीं करना चाहता। तो मैं इसको इस तरीके से ओपन करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा आपको इसमें सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर हम इसको अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पर इसको यहाँ से ये मुझे बॉक्स रिसीव हुआ और ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया। तो अब देख सकते हैं आप 12,999 रुपीज़ का। तो ये रहा लाख का C1। तो हम करने वाले हैं इसको अनबॉक्स और आप देखेंगे अगर मैं आपको पास से दिखा दूँ तो यहाँ पर इसकी हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है। यहाँ पर इसका जो दो ट्रांसमीटर है और इसका अडैप्टर है वो जो कि पावर बैंक की तरह काम करता है, सी टाइप है और कलर है इसका ब्लैक। तो यहाँ पर लार्ज C1 का मॉडल है और डिजिटल वायरलेस माइक्रोफोन 2.4 GHz। यहाँ पर इसका हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है। इसका जो प्राइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे MRP है वो 29,880 रुपीज़ क्वान्टिटी 1। यहाँ पर ये प्रोडक्ट की डिटेल्स है और इसे किजार सॉल्यूशन प्राइवेट एंड लिमिटेड इंडिया में सेल करती है। पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है इसका हेयर क्लियर स्मार्ट 1NC, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर है और पोर्टेबल चार्जिंग केस है इसके अंदर। प्लग एंड प्ले सबसे बेस्ट फीचर इस हॉलीलैंड के जो यूज़ है वो है प्लग एंड प्ले है इसके अंदर। और इसमें HD ऑडियो 48K हर्ट्स जो कि 16 बिट्स में इसे 48K हर्ट्स 16 बिट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे 2% वायरलेस माइक्रोफोन एंड सिस्टम एंड चार्जिंग केस इसके अंदर अवेलेबल मिलेगा हमें, जो कि इसमें 1% वाला सिंगल ट्रांसमीटर भी आता है। तो अब बिना किसी देरी के क्वालिटी चेक पास यहाँ पे लिखा है तो मतलब ये क्वालिटी चेक होके आया है। तो बिना किसी देरी के हम इस प्रोडक्ट को करने वाले हैं ओपन और अब देखेंगे यहाँ पर हमने इसको अनरैप करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अनरैप करेंगे और क्या क्या इसके अंदर मिलता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब देखेंगे आप, हम इसको रख देते हैं साइड और यहाँ पर अब हम इसे करने वाले हैं ओपन। तो यहाँ पर दो ये रैप दिए गए हैं, हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि माइक आ गया है और हम अच्छी वॉइस के अंदर कंटेंट को आप प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो यहाँ देखेंगे आप कि बहुत अच्छी पैकिंग यहाँ की गई है और यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया। तो ये बहुत अच्छा केस कवर यहाँ पर जो कि बहुत स्मूथ फिनिश के साथ में दिया गया है और इसमें ये हैंगिंग क्लिप्स है जो कि इसको आप यूँ पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है, मतलब खुद का हॉलीलैंड का ये प्रोडक्ट। अब 29,000 की MRP दे रखी है तो इतना तो कर ही सकते हैं, जो कि 15,000 में अभी मिल रहा है। अब इसे हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट। और यहाँ पर अगर मैं आपको प्रोडक्ट पे ना ले जाके पहले आपको इसकी एक्सेसरीज़ दिखाऊँ जो जो हमें इसमें मिलती हैं, तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिलता है। यहाँ पर हमें मिलती है सी टाइप केबल, जिसकी क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊँ सी टाइप केबल की, क्योंकि मैं सी टाइप केबल यूज़ करता हूँ, तो केबल बहुत अच्छी फिनिश के साथ में आती है। और यहाँ पर मिलता है हमें इसके अंदर, मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ टिश्यू टाइप का है। क्या है इसके अंदर, अच्छा ये माइक के कवर है जो कि फॉर्म है जो हम माइक के ऊपर यूज़ करेंगे, जिससे कि बैकग्राउंड नॉइज़ को ये बहुत ज़्यादा लेवल पर उसको कम कर देगा। और ये प्रोडक्ट इटसेल्फ यहाँ पर, तो हम इसको अब ओपन करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसको ओपन किया और ये ऑलरेडी फुल चार्ज है, पूरा चार्ज है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे हम सी टाइप पोर्ट है जो कि यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर भी है, जब हम इसे चार्ज करेंगे तो ये चार्ज होगा।
ठीक है। तो और इसके अंदर जो अंदर है इसके अंदर हमें कुछ और नहीं मिलता है। यहाँ एक ज़िप मिलती है, यहाँ पर हमें एक मतलब एक जगह मिलती है कुछ सामान रखने के लिए, और दोनों को पार्टीशन मिलता है हमें यहाँ रखने के लिए। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छा केस कवर ये लग रहा है, क्वालिटी जो इसकी बहुत गुड है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे बहुत स्मूथ इसका कैप है, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो सिंगल हैंड सिंगल फिंगर से बिल्कुल मैनेज हो पा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको जो मेन इसके अंदर डिवाइस है वो ये सेंटर वाला है, जो प्लग इन प्ले हम इसे करेंगे लगा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इसको निकाल के रखें तो यहाँ पर ये सी टाइप पोर्ट है, और इसको हम जब लगाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर ये शायद पावर बटन है, मैं एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। तो ये जो पावर बटन है, और यहाँ पर आपको दिखेंगे बैटरी इंडिकेटर्स यहाँ पर आप, और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ब्रांड जो इसका कोड्स है वो यहाँ लिखे हैं। काफ़ी फिनिशिंग क्वालिटी दिख रही है। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं जो हम कनेक्ट करेंगे तो तब ये दिखेगा यहाँ पे। अब निकालते हैं हम इसके ट्रांसमीटर, जो कि दो ट्रांसमीटर हमें इसके अंदर मिलते हैं। और ये इस तरीके से अभी यहाँ पर ये रैप लगा हुआ, हम इसको निकाल देते हैं जिससे कि चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से क्लिप आपको पहननी है और इसको लगाना है। और ये इसका पावर ऑन का यहाँ स्विच है, अगर हम इसे पावर ऑन करेंगे यहाँ से इसे प्रेस करके रखेंगे तो बैटरी इंडिकेटर यहाँ पर हमें शो होगा। शायद ये अभी टर्न ऑफ इसलिए है और ऑन होने में टाइम लगा रहा है क्योंकि इसके अंदर बैटरी या चार्जर ये अभी नहीं होगा। तो हम इसे पहले चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद अब ये चार्ज हो रहा है आप देखेंगे। तो दोनों को इस तरीके से इसके जो बैटरी पॉइंट्स हम उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके से अभी चार्ज हो रहे हैं आप देखेंगे, दोनों चीज़ें चार्ज हो रही हैं। और अब हम इसको यहाँ लगा देते हैं। आपका जो ये प्लग इन प्ले वाला जो सॉकेट है हम इसको लगाएंगे, लेकिन ये चार्जेबल नहीं है, आप इसे डायरेक्ट प्लग इन प्ले करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको सेपरेट भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसे, बहुत अच्छा केस है, बहुत फिनिशिंग के साथ में आता है और काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है इसका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे देखेंगे आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ पे यहाँ कंटेंट या मेंशन है, ये हॉलीलैंड टेक्नोलॉजी और इसके जो प्रोडक्ट के कोड्स है वो यहाँ पे मेंशन है। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, तो मैं तो कहूँगा कि मुझे अभी तक ये सही लगा, और मैं इसका एक कम्प्लीट रिव्यू वीडियो में लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो ये अनबॉक्सिंग थी, हमें क्या क्या इसमें सामान मिलता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली तरीके से दिखा दूँ, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है इसका केस, यहाँ पर हमें मिलता है ये इसके नॉइज़ कैंसलेशन करने के लिए कुछ फॉर्म्स जो हम इसके माइक पे लगाएंगे, ये टाइप सी केबल। यहाँ पर हमें मिलता है कुछ पेपर वर्क जिसमें इसके यूज़र मैनुअल्स हैं, वी आर हेयर फॉर यू, और इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, और टेक्निकल सपोर्ट्स असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेंगी। और यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल हमें देखने को मिलेगा, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दी, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली टेक वीडियो में।